ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस धरा पर कुछ ऐसी विचित्र शक्तियां हैं, कुछ ऐसा है जो मानव की समझ से परे है। जब मानव इस तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो वो अचंभित रह जाता है इन सब शक्तियों को देखकर। ये कुछ ऐसा ही है जो कि मानव की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन कुछ साधु संत, पीर फकीर इस विद्या को जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं मोहिनी मंत्र की। कई लोगों को ये कोरी कल्पना लगती है, लेकिन जिसके पास ये सिद्धि है, जिसके पास ये विद्या है, वो रोज ही इसका इस्तेमाल करते होंगे। और इस विद्या को अर्जित करने के लिए क्या क्या सामग्री लगती है, किस तरह से इसको अर्जित किया जाता है, वो सब मैं आपको यहां बता सकता हूं। सबसे पहले तो आपको विश्वास करना है कि जो मोहिनी मंत्र है वो वास्तव में होते हैं। यदि आप विश्वास करने में असमर्थ हैं तो आगे इस वीडियो को ना देखें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो साधक हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि वो कोई सिद्धि प्राप्त करें, तो उनके लिए मैं आज काम रूप की मोहिनी की सिद्धि देने वाला हूं। क्योंकि अभी जो काल चल रहा है वो सावन मास है, और इसमें वो सब कुछ आपको मिल सकता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी सिद्धियां जो हैं आपको इस मास में मिल सकती हैं। आपको नाना प्रकार की शक्तियां, नाना प्रकार की साधनाओं में सिद्धि इस मास में मिल सकती है। इस मास में कुछ ऐसा है कि इस धरा पर भोलेनाथ जो है वो विचरण करते हैं, तो उनसे यदि आप ये जो उनके तंत्र मंत्र हैं, ये उनसे संपर्क साधने का एक जरिया है, एक माध्यम है। जब आप ये कुछ भी करते हैं तो वो जल्दी ही फलदायी होता है, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आपको इसका असर दिखता है। तो जो भी इच्छुक हैं, जो भी साधक हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत था, जिसमें कि दूर दूर से न जाने कितने देशों से लोग ये सीखने आते थे यहाँ पर, लेकिन कुछ काल ऐसा आया, कुछ समय ऐसा है कि वो सारा जो ज्ञान था वो नष्ट हो गया है, और जानबूझकर इसको नष्ट किया गया है। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो इतना प्रबल था, इतना गौरवशाली था कि आप एक बार चाहे वो आप मेडिकल फील्ड ले लीजिए, तंत्र ले लीजिए, हर चीज़ में भारत जो है सबसे आगे था। और यहाँ पर तंत्र सीखने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते थे। तो एक वैसा ही बेहतरीन मंत्र जो कि कभी खाली नहीं जाता, एक बार लगा दिया समझिए रामबाण इलाज है, किसी के हटाए नहीं हटेगा, और उम्र भर के लिए जो भी जिस पर भी आप ये लगाओगे वो बस आपकी ही बोली बोलेगा, जैसा आप कहोगे बिल्कुल वैसा ही करेगा। कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने कुछ खिला दिया, पिला दिया, तो अब वो उसी की बातें मानता है, कुछ वैसा सही करता है जैसा वो कहता है। तो वो चीज़ अगर आप चाहते हैं तो इस मंत्र से वो पॉसिबल है, और बहुत ही आसान है। अब जैसा कि आपको विदित है कि अभी सावन मास चला हुआ है, तो आपको क्या करना है, माँ कामाख्या की साधना करनी है छोटी सी। इससे ये होगा कि आपको भौतिक सुख, जो भी इस धरा पर भौतिक सुख हैं, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इस मंत्र से आप माँ कामाख्या के आशीर्वाद से किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं। सिर्फ एक आदमी आपसे वशीभूत नहीं होगा, पूरी दुनिया में जो भी आपके संपर्क में आएगा वो बस आप ही की माला जपेगा। ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि आप में कुछ ऐसी आकर्षण की शक्तियाँ दे देगा जो कि आपके संपर्क में आते ही सबको आपकी तरफ मोहित कर देंगे। जो भी आपको एक बार देख लेगा वो बस टकटकी लगाए आपको देखता रहेगा। ये काम रूप का मंत्र है, और इस मंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं।
क्योंकि इस मंत्र के साथ बहुत सारी सावधानियां जुड़ी हुई हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि जब भी कोई साधना शुरू करते हैं तो आपको स्वच्छ होना चाहिए। सुबह सुबह आप जो है नहा धोकर स्वस्थ जो वस्त्र हैं वो आपके स्वच्छ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। नहीं है कि आप तीन चार दिन से एक ही कपड़ा पहने हुए हो। आपको जो है शुद्ध रहना, बिल्कुल सात्विक, किसी भी तरह का मांस मदिरा शराब गुटखा ये सब आपको छोड़ देने हैं। और इसके बाद आपको इस साधना को करना है। तो आपको मैं मंत्र बता देता हूँ। इस मंत्र की जो है एक कॉपी मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो मंत्र है ओम नमो कामरूप वासिनी सर्वलोक वश्य करी स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, ओम नमो कामरूप वासिनी सर्वलोक वश्य करी स्वाहा। तो जब किसी मंत्र के पीछे स्वाहा लग जाता है तो उसमें हमें अग्नि को कुछ अर्पित करना पड़ता है। स्वाहा जो है उनको कुछ देना पड़ता है ताकि आपकी आवाज़, आपके जो विचार हैं वो आगे तक वो ट्रांसमिट कर सकें, आगे पहुंचा सके। लेकिन यदि आप सिर्फ इस मंत्र का भी जाप करते हो तो भी आप अपने जो विचार हैं, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, वो इस ब्रह्मांड में गूंजती रहेगी। और जब भी भोलेनाथ या जो भी आपके इष्ट देव हैं वो इसके संपर्क में आएंगे तो आपकी जो बातें हैं, जो भी आपके भीतर है, वो सब भोलेनाथ के पास चला जाएगा और वो समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। और उसी दिन आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा और आपको फलस्वरूप जो भी आपने कामना की थी वो सब उसी दिन आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक हवादार कोई ऐसा कमरा ढूंढिए जहाँ पर कि आसपास कोई ना हो। जब आप ये साधना करें तो बस एकांत में आप हो और कोई भी आपको देख ना पाए। शुद्ध हवादार कमरा होना चाहिए, आसपास कोई पौधा भी आप रख सकते हैं। आपका जो आसन होगा वो लाल होगा, आपके वस्त्र लाल होंगे, आपका जो टीका होगा वो लाल होगा, मतलब कि जितना कुछ हो सके वो लाल ही लाल आप यूज़ कीजिएगा। लाल को बहुत शुभ माना गया है। यदि आपके पास माँ कामाख्या का ओरिजिनल सिंदूर हो तो आप उसका टीका लगाएं, क्योंकि टीका लगाने से आपके पास दूसरी दुनिया में बातें करने का, पहुंचने का एक पासपोर्ट मिल जाता है, एक जरिया हो जाता है कि आप वहां जा सकते हैं। टीका लगाने से भिन्न भिन्न तरह की शक्तियां आपसे दूर रहती हैं, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाते। टीका लगाइए, एक दीप जलाइए, दीप पर अपना हाथ रखिए और संकल्प करिए कि जब तक ये आप पूरा ना कर लें तब तक आप इस साधना को करते रहेंगे। तो मंत्र आपको बता ही दिया है मैंने, ओम नमो कामरूप वासिनी सर्वलोक वश्य करी स्वाहा। इससे क्या होगा कि ये जो इस भूमंडल में जितने भी लोग हैं वो सब आपके अधीन हो जाएंगे। ये ऐसा भी नहीं होगा कि आप जा रहे हो तो बस आप सब आपसे अधीन ही हो जाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बात कोई टालेगा नहीं। यदि कोई, जैसे आपको किसी अपनी गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करना हो, किसी बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करना हो, आपके पति आपसे दूर रहते हो, तो भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा एक स्पेसिफिक पर्सन है कि उसको अट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या करना है कि जब इसका चैंटिंग पूरी हो जाए, जब आप इसका गुम्फन पूरा कर लें, उसके बाद आपको अपना जो भी आपके दिलो दिमाग में है उसको बोलना है कि मुझे इस कार्य की सिद्धि चाहिए और माँ कामाख्या इसको पूरा करें। जो भी आपके, जैसे भी आप प्रे करते हैं वैसे आप कह सकते हैं, लेकिन जब तक ये मंत्र पूरा ना हो 108 या 1000 बार 2000 बार जितना आप कर सकें, जितना ज़्यादा गुम्फन होगा उतना ही ये सटीक लगेगा। यदि आप इस मंत्र का रोज़ 108 की संख्या में जाप करते हैं तो आपके साथ आकर्षण की शक्ति चलेगी जो कि सामने आने वाले किसी को भी वशीभूत कर देगी। तो इसका जो समय रहेगा वो है, आप कभी भी कर सकते हैं सावन में, और यदि आप सावन के बाद भी करना चाहते हैं तो सुबह का समय रहेगा। लेकिन अभी सावन में आप कितना जितना करें उतना अच्छा है, चाहे सुबह करें, शाम को करें, रात को करें, कभी भी कर सकते हैं। और इसके बाद जब सावन ख़त्म हो जाए तो आप
सिर्फ सुबह में ही कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। सात्विक रहिए और एक कमरा बनाइए अपना जहाँ पर कि आप ये साधनाएँ करें, और कहीं त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9999841625 पर, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं info@मोहिनीविद्या.com पर। धन्यवाद।